स्वागतम मित्र एंड मित्राणियों। सो बिग बॉस जस्ट शुरू ही होने वाला है कुछ दिन में, और आपको पता है ये पूरा चैनल ही बिग बॉस के नाम कर चुके हैं हम। यहाँ पे बिग बॉस से रिलेटेड कंटेंट आता है, और अभी ताजा खबरें जो आ रही हैं बिग बॉस से, एक निया शर्मा शायद बिग बॉस में आने वाली हैं, और एक बीच की खबर आई थी कि बिग बॉस में शायद पुराने वाले जितने कंटेस्टेंट है ना वो सब भी आ सकते हैं। आसिम रियाज, एल्विश यादव, मजे आएगा अगर सबका घसल पसल कर दिया। जितने भी दमदार लोग थे सबको बुला लो, ऊपर सब अंदर लड़ेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज्यादा दमदार कौन है। बाकी अभी तो मेन मुद्दा ये था कि बाबा जी को बुला लिया बिग बॉस में, बाबा जी ने मना कर दिया। बाबा जी आते मजा जाता। बिग बॉस में जाने का ऑफर आया, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने देना तो करोड़ों ही पड़ेगा, बाबा जी की जैसी फैन फॉलोइंग है अभी। बता दिया मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। बाबा जी ने लेफ्ट स्वाइप कर दिया बिग बॉस को कि मेरा मैच नहीं है तुमसे भाई। ऐसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते। क्या बात, ऐसी बातें पहले बड़ा पाव वाली ने करी थी कि बिग बॉस में मैं नहीं जाऊंगी बिग बॉस में, और चली गई थी। पर बाबा जी से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। बाकी देखो भरोसा तो किसी भी चीज का नहीं आजकल। सिंडी मैंने न्यूज में पढ़ा कि बिग बॉस वालों ने आपको उनके अगले सीजन में इनवाइट करा और आपने मना कर दिया जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कारण क्या है, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पॉपुलर शो है। वो तो ऑलरेडी उनको बुलाता है जो पॉपुलर है, वो हमें क्या पॉपुलर करेगा, हम जाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा, इसे तो बुला रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों, इंसान को जब अपनी औकात पता होती है तो वो दूसरे को उसकी औकात दिखाने लग जाता है। बाबा जी को पता है कि अभी सबसे ज्यादा टीआरपी अपने नाम से आ रही है। एक रजत पवार नाम की यूट्यूबर ने तो 6-7 वीडियो बना दिए शायद। अभी मेन चैनल पे भी एक वीडियो शायद आ गई होगी, तो जाके देखना दोस्तों। तो बिग बॉस से भी ऑफर है, कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। पूरी टीम आई थी बाबा जी प्लीज हमारे शो को बचा लो प्लीज बाबा जी। अभी तक तो एक वो फुकरा और एल्विश वाला सीजन चला था, उसके बाद तो सब डूब रहा है बाबा जी। नहीं मैंने मना कर दिया। बाला जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। मैं आज बोलो तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। ऐसा है कि जो शेर होता है ना वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। भाई साहब सबको कुत्ता। पर यार एक बात है कि सोचो कि कितना पैसा होगा बाबा जी के पास, जो करोड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसा तो होगा, मतलब मैं मानता हूँ सिद्धांत भी बड़े, पैसा एक चीज होती है इंसान को फिसला देती है, पर बाबा जी ने सीधे ही मना कर दिया, करोड़ों जाए भाड़ों में। बिग बॉस देखेंगे घर वालों का फ्यूचर, अब होगा टाइम का तांडव। ये जो प्रोमो आया इससे ऐसा लगता है कि शायद पास्ट प्रेजेंट की कोई थीम होने वाली है, तो हो सकता है पुराने वालों को बुला ले, मजा आएगा। मैं तो कुछ पुराने वाले हैं जिनको देखना चाहता हूँ बिग बॉस में। बाकी आप किसको देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। यार क्या बिग बॉस का वो हो गया है भाई, मेरे को कीड़ा सा, पहले देखते ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। अभी एक लाफ्टर शेफ मजेदार लग रहा है, आप लोगों ने बोला तो मैं देख रहा हूँ, उस पर वीडियो भी आई है, रिएक्शन चैनल पे जाके देखना। जानकारी के मुताबिक निया शर्मा का नाम बिग बॉस 18 के लिए कन्फर्म हो चुका है, वो इस सीजन की पहली कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट है। निया शर्मा को सबसे पहली बार मैंने देखा था 1000ों में मेरी बहन, हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया जाता था, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाती थी। मगर इस साल निया शो का पारा हाई करते हुए नजर आएंगी। सूत्रों ने कहा बिग बॉस में रहने के लिए निया तैयार हैं। उन्होंने बीते दिनों कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। निया के साथ बिग बॉस की टीम भी उन्हें शो में लाने को लेकर सुपर एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो ये लोग सबके लिए रहते हैं, वो अंदर आके कुछ करते ही नहीं है, फिर ठह बोल जाते हैं, भूल गए OTT3 कुछ भी नहीं किया किसी ने, सब ठह करके बैठे हुए थे। सबसे बढ़िया एपिसोड भी उसका वही था जिसमें अरमान मलिक रोस्ट हुआ था भाई, उन लोगों का चैनल डूब गया भाई बिग बॉस के बाद, लोगों के करियर ऊपर जाते उनका नीचे चला गया, क्या करा दोस्तों ये तुम लोगों ने। बिग बॉस 18 कंफर्म्ड कंटेस्टेंट लिस्ट, अनुमन दत्ता, देविका आर्या, बबीता जी जा रही है क्या? बबीता जी बिग बॉस में जा रही भाई, जेठालाल भी चल जाता तो मजा जाता, पर अगर जेठालाल और बबीता साथ में जाते ना तो पता चल जाता कि एक्चुअल में जेठालाल जो रियल इंसान है वो कितना ज्यादा बढ़िया इंसान है। मतलब वो तो शो में दिखाते हैं ना ठरकी वर्गी सा, वो असलियत में बहुत बढ़िया इंसान है भाई। मतलब जितना मैंने सुना है, मेरे को बुलाया तो नहीं अभी तक घर पे खाना खाना। बाकी दीपिका आर्या उसकी बीवी है शायद, वाइफ है उसकी, क्या नाम था अपना, तेलका प्रिंक, वो भाई बाहर जितने दंगे कर लिए उसलिए बुला लिया होगा। धीरज धूपर, धीरज धूपर तो उसमें था, सीरियल वीरियल वाला मैं नहीं जानता सीरियल वालों को भाई। अनीता हसनानंदे, अरे अनीता हसनानंदे शायद उसमें भी भाई, बहुत पुराना एक सीरियल देखा था मैंने, नाम याद नहीं आ रहा। उसमें वो रहता है राम नाम रहता है मेन कैरेक्टर का, वो मेरी याददाश्त को क्या हो गया भाई, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। जान खान, उनको भी जान मेरा सुधांशु पांडे, ये सुधांशु पांडे को भी कहीं देखा हुआ है। अरे अनुपमा का क्या होगा फिर, अगर तुम पहले पति को यहाँ बुला लोगे तो दो पति से काम थोड़ी चलता अनुपमा का। शहीर शेख, ये कृष्ण जी बने थे शायद, वो कृष्ण जी जो इंसान बना था उसका नाम शहीर शेख है, पहली बार देखा यार मैंने, गजब एक्टिंग करी यार, गजब एक्टिंग करी। सुरभि ज्योति, फैसल शेख, फिजू, मिस्टर फिजू भाई आ रहे हैं क्या बिग बॉस में? फिजू भाई को जाना चाहिए, मजा आएगा भाई, फिजू भाई की इमेज पूरी चेंज हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि फिजू भाई ने अभी तक जो कर लिया इतने सारे रियलिटी शो, इतने लोग टिकटॉक वगैरह यूट्यूब से निकले, यूट्यूब पे आके रुक गए, फिजू भाई रियलिटी शो तक चले गए भाई, देखें अब क्या होता है। समीरा रेड्डी, अंजलि आनंद, चाहत पांडे, रेम समीर, एलिस कौशिक, अलीशा पनवर, सुनील कुमार, फैजान खान, ईशा गोपीकर, नायरा बनर्जी, निया शर्मा, नताशा,
उर्फी जावेद। उर्फी जा तो चुकी, कितनी बार जाएगी उर्फी? और इसका ये लिस्ट इतनी लंबी क्यों है? क्या कर रहा भाई तू? 6-7 सीजन की दे रहा है क्या? पूरे तुक्के मार दिए उसने, जितने उसके दिमाग में थे सारे मार दिए। एक्सटर्न टोटल गेमिंग सौरभ ज्योति। भाई सबको भर देगा, इसकी लिस्ट पे मैं भरोसा नहीं कर रहा है सबको। थोड़ी देर में मेरा नाम भी आ जाएगा पता, रजत पवार। वैसे यार मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम क्यों ही लेगा कोई। सोनाल मोहित मलिक जैन सैफी कशिश कपूर। मैं लेजिट जैन सैफी को देखना चाहता हूँ बिग बॉस में। अगर जैन सैफी बिग बॉस में गया तो इनकी पूरी टीआरपी की लिस्ट आसमान के पार चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इतनी टीआरपी कभी नहीं मिली होगी बिग बॉस को, क्योंकि जैन सैफी की एक जो पर्सनालिटी है ना उसकी वजह से फेमस है वो। कॉमेडी वॉमेडी सब एक तरफ, वो तो कुछ भी बोलता है वो फनी लगता है। कनिका माँ सवेद तोमर दिग्विजय सिंह जनरल जुबैर रहमानी। बाकी दिग्विजय हर्षवेनी सब, भाई क्या लिस्ट है ये? 50-60 लोग घुसे रखा गया बिग बॉस में। ये ईसीएल का पार्ट 2 करवा रहा है दोस्तों, वहाँ क्रिकेट खिलवाएगा उनसे। हर्ष धनीवाल मिथिलेश डॉली चाय वाला फुकरा इंसान। सबको डाल दिया भाई उसने, 50-60 लोग डाल दिए मेरे ख्याल से। कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। भाई तुम महाराज के रिप्लाई क्यों काट रहे हो? मेन तो हम उसको ही सुनना चाहते हैं। इफेक्ट वेक्ट तो हम रोज सुनते रहते हैं, महाराज के रिप्लाई तो मजेदार होते हैं, तुम उसको मत काटो यार। संस्कृत पढ़ी है आप? बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाते हैं महाराज, तो करो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं? आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई उसने सवाल पूछा कि घड़ी कौन सी पहनी है, वो उसने बताया कि जो दे देते वो पहन लेते हैं। अब उसने वो सवाल छोड़ दिया, क्या आगे बढ़ते हैं? वो चिट्ठा बना के लाया भाई कि अब पंगा लूंगा मैं। गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है? आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं यार, क्लिप काट रहे हैं यार, मेरे को बाबा के रिप्लाई सुनने यार, महाराज के रिप्लाई सुनाओ। तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़की ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए। पढ़ाई करवाने आया भाई वो, महाराज को पढ़ाई करवाने आया। आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोड़ी बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, क्या ये सही है? क्वेश्चन गया गधे के खेत में, क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है। तुम अपोजिशन पार्टी को भी तो देखो, तुम मेरे को ही क्यों देख रहे हो? हैं वो लोग गलत बोल रहे, उनसे नहीं बोलना है। मैंने गलत बोल दिया, मैं गलत हो गया? अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानी होती है बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, वाइट मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, लाइन सीधी होगी मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है, सीधा हुआ तो मर जाएगा। वो बेचारे अपनी समस्या लेके आते हैं। गुरुजी ये दिक्कत है थोड़ी सी, देख लीजिए आप। दिक्कत तुम्हें देखनी है, गुरुजी नहीं आएंगे देखने? तुम्हें क्या लगता है जिंदगी मजाक है? मेहनत करो। कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। अरे बाप रे भाई साहब, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात करूं भाई, शराबी। ये बताओ तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं भाई, कहाँ से आते हैं भाई ये? और सारे के सारे ये बाबा के पास क्यों पहुँच जाते हैं? मस्ती करने आ रहे हो क्या? दारू पी के कौन जाते हैं प्रवचन सुनने, और दारू पी के सवाल भी पूछ रहे हैं? बाकी दोस्तों बिग बॉस जैसे शुरू होगा कंटिन्यू अपन वीडियो डालने लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर एपिसोड की डाल पाऊं, क्योंकि मेरे को भी देखता तो हूं, कुछ ना कुछ आता ही दिमाग में, आपको भी सुनने मजा आता है, तो रोज वीडियो डालेंगे। तो सब्सक्राइब कर ले अगर बिग बॉस के लिए देख रहे हैं तो। अपन ट्राई करते एक बार, ट्राई करके देखते कि हो सकता है इस बिग बॉस पे मेहनत करने पे अपन मिलियन कर पाए। जो लोग बिग बॉस के अंदर गए उनके होना ओपन करके देखेंगे। बाकी बहुत बड़े बड़े गोल रख लिए मैंने, मैं मेहनत करूंगा। बाकी आप सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और कोई टॉपिक हो दिमाग में तो बताएं, वो अपन रिएक्शन पे बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।